हाय फ्रेंड, दिस इज़ फिट से। तो कैसे आप सब लोग, आज आपके सामने फिर हूँ एक न्यू वीडियो लेके। आज की गाइस जो वीडियो होगी बहुत ही पावरफुल होगी और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आज बात करेंगे वैसी 5 चीज़ जो आप वर्कआउट से पहले करते हो। आपको वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के समय ये 5 चीज़ नहीं करना है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी होगी और एक एक टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो को बहुत ही गौर से देखिए और एक इम्पोर्टेंट मैसेज, जो आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट मिस्टेक होगा वो होगा ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी वर्कआउट से एक घंटे या आधे घंटे भी पहले आप वर्कआउट प्री मिल्क में आप कुछ भी लेते हो जो काफ़ी मात्रा में ले लेते हो, चाहे वो उसमें प्रोटीन हो या फैट हो या कुछ भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हो, तो उसका काम क्या होता है? जब आप वर्कआउट से पहले इतना सामान जब आप इंजाइम करेंगे अपने शरीर में तो उसका काम होता है कि सीधे पचाने में वो भिड़ जाएगा। लेकिन जब आप नहीं पचा पाओगे तो वर्कआउट में आप क्या दोगे? आप जो यहाँ पर जो अब खाए हो वो अपना काम कर रहा है पचाने में, लेकिन जब वर्कआउट पर जाओगे तो आप वहाँ पर काम ही नहीं करेगा शरीर। नहीं आप ठीक से वर्कआउट कर सकते हो, नहीं आप फुल एफर्ट दे सकते हो वर्कआउट में। तो इतना सारा भोजन नहीं करना है क्योंकि वो तो आपका शरीर पचाने में काम करेगा और वर्कआउट पे जो आप करोगे उस पर आप फुल एफर्ट नहीं दे सकते। तो उतना ओवर ईटिंग नहीं खाना है जिससे आपको पेट लगेगा भरा भरा सा और आपको गैस का भी प्रॉब्लम होता है, अनपच जिसको कहते हैं। तो ओवर ईटिंग की वजह से आप अच्छा से अपना वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट मिस्टेक होगा जो आप करते हो, तो इसको अवॉइड करना है। ओके, चलेंगे अपने दूसरे पॉइंट पे। तो गाइस दूसरा पॉइंट होगा वो होगा आपका वार्म अप। आप इसमें वर्कआउट के समय आप जो रॉन्ग वार्म अप करते हो ये बहुत ही चीफ चीज़ है। आप रॉन्ग वार्म अप नहीं करते तो आप जिम गए, आज का बाइसेप का वर्कआउट है और आप किसी और का वार्म अप कर रहे हैं, तो वार्म अप आपको गलत नहीं करना है। ये आपके वर्कआउट पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो वार्म अप आप जैसे देखिए स्ट्रेचिंग वार्म अप करते हैं, जैसे कि एक ही पोर्शन को लेके थोड़ा देर वहाँ पर रुकना, यानी हो स्ट्रेचिंग वार्म अप। इससे आप अपने शरीर को मतलब इसे होता है वर्कआउट के बाद इसको करना है, लोग पहले ही कर लेते हैं, जिससे आपका ये होता है कि आपका शरीर को जो भी आप वर्कआउट के समय अपने शरीर पे जोर डाले हो उसको अपने दर्द को दूर करने के लिए अपने स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन ये वार्म अप पहले आप कर लेते हो ये सबसे बड़ी गलती करनी है। आपको वार्म अप करना है डायनेमिक वार्म अप, जैसे आप नेक को हल्का हल्का वार्म अप करते हैं, पुशअप कर सकते हैं, थोड़ा रस्सी कूद सकते हैं, जिसमें आपका एक पोर्शन जो आप वार्म अप कर रहे हैं जिसका आप वर्कआउट करेंगे उसको आप हल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पंप ला सकते हैं। तो आपको डायनेमिक करना है, स्ट्रेचिंग नहीं करना है। तो आप गलत वार्म अप मत करिए जिससे आपका वर्कआउट पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, सही वार्म अप करिए और चलेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो गाइस चलते हैं अपने अगली टॉपिक के लिए। जो आप सबसे बड़ी गलती करती हो वो होता है आपको कार्डियो। बहुत ही बड़ी गलती है कार्डियो। देखिए कार्डियो में पूरा शरीर थक जाता है, जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो, पूरा शरीर को थका लेते हो। तो आप वर्कआउट में क्या दोगे? वर्कआउट में आपको चाहिए एनर्जी जो आप पहले समाप्त कर चुके हो। तो कार्डियो आप नहीं करिए, कार्डियो करना ही है तो आप 3 से 4 मिनट करिए। लोग को देखते हैं ट्रेडमिल पर 5-5 मिनट 10-10 मिनट एकदम दौड़ रहे हैं, जिससे पहले ही आपका एनर्जी पूरा ख़त्म। तो आप वर्कआउट में क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। तो हम कहेंगे आपको पूरा कार्डियो बंद ही कर देने, जब करना ही है तो शुरू में 5-10 मिनट करिए, ट्रेडमिल कर लीजिए, थोड़ा हार्ट बीट को तनिक पंप मिल जाएगा, ब्लड फ्लो आ जाएगा। 3 से 4 मिनट काफ़ी है। आप कार्डियो उतना नहीं करिए क्योंकि आप वो जब वर्कआउट करने जाइएगा तो उसमें आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आप अपना फुल एफर्ट नहीं दे सकते हैं। ओके, तो यह था अपना तीसरा पॉइंट। और अगले पॉइंट के लिए चलते हैं जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। तो गाइस चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करते हो वो होता है वाटर। आप वाटर एकदम भरपूर मात्रा में नहीं लेते हो जिससे आपका मसल ग्रोथ नहीं होता है। ये आपके बहुत बड़ा रोल करता है आपके वर्कआउट में। आप वर्कआउट के समय आप थोड़ा थोड़ा वाइट में अपना वाटर लेना है, जिससे आपके ब्लड में जाता है और आपका वेंस जो होता है वो जल्दी से रन करता है, उसमें ब्लड फ्लो जल्दी से होता है और आपका मसल ग्रोथ होता है। आप वर्कआउट से पहले भी 1 से 2 गिलास पी सकते हो, वर्कआउट से 10 से 15 मिनट पहले। ओके, वर्कआउट में अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका ब्लड फ्लो नहीं होता है, जिससे आपका मसल ग्रोथ नहीं होता है। तो वाटर जो आपका होता है बहुत बड़ा रोल करता है आपके वर्कआउट के समय। तो वाटर आप थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, ये नहीं कि आप एक बोतल लिए एक ही बार में पी लिए, नहीं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एक एक पीना है।
छोटा छोटा बाइट में। ओके, तो ये था अपना चौथा मिस्टेक, वाटर पीते रहिए वर्कआउट के बीच में। काफ़ी लोग देखते हैं सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद वाटर ले नहीं रहे हैं, जिससे आपका एनर्जी तो सब लॉस हो रहा है, उसके बदले में आप दे क्या रहे हैं, कुछ नहीं। तो वाटर आपको लेते रहना है वर्कआउट के बीच में, जिससे आपका एनर्जी हाई रहे, आप मेटाबॉलिज्म भी अप रहे। ओके, जिससे आपको एनर्जी की कमी नहीं लगेगा। तो चलेंगे अपने अगली पॉइंट की ओर। तो गाइस चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के लिए, जो आप गलती पे गलती करते हो, नो ब्रेक। यानी आप कहीं से भी आ रहे हो, आप दूसरे काम में बिजी हो, आए और डायरेक्ट वर्कआउट में भिड़ गए, जिसमें आपका तो बीच में गैप नहीं मिला, जिससे आप पहला जो काम करते हैं, जो यहाँ से आए हो आप, वहाँ पे माइंड रहता है और डायरेक्ट आप इसमें इन्वॉल्व होते हो, तो आप माइंड को भी रेस्ट नहीं देते हो, फिजिकल रूप से अपने शरीर को भी रेस्ट नहीं देते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप वर्कआउट में पूरा ध्यान नहीं दे पाते हो, जिससे वर्कआउट आप फुल एफर्ट्स के साथ नहीं कर सकते। ओके, तो आपको गैप देना है, ज़्यादा नहीं, आधा से एक घंटा भी आपको रेस्ट करना है। आप कॉफ़ी या फ्री वर्कआउट मील में आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप वर्कआउट के पहले आप थोड़ा रेस्ट करिए, पूरा माइंड को शांत कर लीजिए, बॉडी को रेस्ट कर लीजिए। नहीं हो तो आप आधा से एक घंटा पहले आप छोटा सा नैप भी ले सकते हो, आप सो भी सकते हो, जो आपका पूरा शरीर रेस्ट हो जाए, माइंड फ्री हो जाए, तब आप वर्कआउट के तरफ जाइए। ओके, तो आप ये नहीं कि आए, आप किसी भी ऑफिस से आए, काम करके आए, डायरेक्ट बिजी हो गए वर्कआउट में, तो ये नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप वार्म अप के लिए या वर्कआउट के लिए जाइए। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा पांच मिस्टेक जो आप वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के समय आप मिस्टेक करते हो। तो ये पांच मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, और मैंने जो बताया है वो इसको आप फॉलो करना है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ये आपको ज़रूर आपको फ़ायदेमंद पहुँचाएगा, फ़ायदेमंद होगा आपके वर्कआउट के समय। तो इसको फॉलो करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे ही आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा। तो लाइक करिए, और नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।